अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक स्मार्ट उर्दू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट की, एंड द प्रोडक्ट इज DJI Spark। DJI की लाइनअप में सबसे छोटा और सबसे सस्ता ड्रोन है। इट हैज गॉट सम लिमिटेशंस आल्सो। ये 1080p से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, 1080p से कम भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैक्सिमम फ्रेम रेट इज 30 फ्रेम्स पर सेकंड। बैटरी लाइफ एज एडवर्टाइज्ड इज अराउंड 16 मिनट्स, बट एक्चुअली आपको तकरीबन 12 से 13 मिनट मिलती है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगी। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई थिंक इज दैट DJI Spark इज द मोस्ट अंडररेटेड ड्रोन ऑफ द DJI लाइनअप। बात ये कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि चूंकि काफी सस्ता ड्रोन है लिहाजा इस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी और इसमें फीचर्स इतने ज्यादा नहीं है। इन अ वे दे आर एक्चुअली राइट, लेकिन अगर आप ये कंसिडर करें कि दिस प्राइस ऑफ दिस ड्रोन अलॉन्ग विद द फ्लाई मोर कॉम्बो इज हार्डली अराउंड $680 or $685, और अगर आप Mavic 2 Zoom और या Mavic 2 Pro लें तो दे आर अराउंड $1400 to $1450 डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग दैम। तो आधे से कम कीमत में भी ये ड्रोन आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। जहां तक बात रही फीचर्स की, आई थिंक कि अगर आप YouTube पर जाएं तो ज्यादातर वीडियोस 1080p में ही मौजूद हैं और ज्यादातर लोग इसको अपने मोबाइल पे देखते हैं या अपने iPad पे देखते हैं, और iPad और मोबाइल के लिए 1080p इज जस्ट मोर देन एनफ। उसके बाद बात आ जाती है जिम्बल की। अक्सर ड्रोन्स के जिम्बल्स, स्पेशली DJI के ड्रोन्स के जिम्बल्स जो हैं, दे आर 3x स्टेबलाइज्ड। Gimbal of this drone is actually not 3x stabilized, ये 2x stabilized है। If you're not flying it carefully, तो शायद आपको जब आप इसको ड्रोन को पैन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत जिटर आपको मिले, लेकिन अगर आप उसको तरीके से करें तो आपको पैन करते हुए भी आपको आराम से स्मूथ फुटेज मिल जाती है। Buy the DJI Spark with Fly More Combo। आप इसको Fly More Combo के बगैर मत खरीदें, क्योंकि अगर आप इसको रिमोट से नहीं उड़ाएंगे तो उसकी लिमिटेशंस वैसे ही बढ़ जाएंगी। फोन के वाईफाई के ऊपर ही ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। आपकी जो जॉयस्टिक्स फोन के टच पैड के ऊपर आपको मिलती हैं, उनका टैक्टिक फीडबैक इतना अच्छा नहीं होता, एंड दे आर नॉट सो मच रिस्पॉन्सिव एज वेल, एंड यू विल एंड अप गेटिंग वेरी जिटरी फुटेज। सो डू गेट फ्लाई मोर कॉम्बो। अगर आप स्टैंड अलोन इसका RC कंट्रोलर खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो खरीद लेंगे तो आपको साथ में एक बैटरी भी एक फालतू मिलेगी, आपको बैटरी चार्जर भी मिलेगा, आपको प्रोपेलर गार्ड्स भी मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी मिलेंगे, और आपका रिमोट कंट्रोल भी मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये ड्रोन खरीदेंगे तो ये 400 का है। अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ खरीदेंगे तो $680 to $685 का है। और अगर आप सिर्फ रिमोट खरीदेंगे तकरीबन $120 का तो रिमोट है ही। फिर अगर आप हर चीज अलग अलग ऐसे खरीदें, क्योंकि डेफिनेटली आपको बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर फ्लाई मोर कॉम्बो जस्ट वंस। इस ड्रोन को अक्सर इसलिए पसंद नहीं किया जाता कि इसकी फ्लाइट टाइम कम है, 1080p में रिकॉर्ड करता है। ऑफ कोर्स अगर आप नया ड्रोन उड़ाना भी सीख रहे हैं तो 12 मिनट आपके लिए बहुत ही कम टाइम है। तो इनिशियली आप इसको उड़ा के थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद अपने शॉट्स को अगर प्रॉपर्ली फ्रेम करेंगे तो आप 12 मिनट के अंदर काफी बेहतर शॉट्स हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने वो शॉट्स पहले से प्लान किए हुए हों। अगर आप उसमें ये चीज भी ऐड करें कि द साइज ऑफ दिस ड्रोन इज हार्डली द साइज ऑफ माय मोबाइल फोन, ये देखें, आई मीन इवन माय मोबाइल फोन इज अ बिट लार्जर। प्रोबेबली अगर मैं iPhone 8 अपना यूज करूं तो यस
It's close to iPhone 8. So size of this drone is so small that you can use it in very tight kisim ke nooks and corners and get a very good kisim ke footage. Le sakte hain. On top of it, of course, the arms iske jo hai, wo foldable nahi hai, but I think itne kam paiso mein aap koi baat hai, bachcho ki jaan loge kya. It's a lot of things that you get for this small amount of money. Plus, iske andar aapko forward obstacle avoidance milta hai. Bottom mein iske sensors lage hue hain jo ki vision flight ke liye aur obviously precision landing ke liye istemal kiye jate hain. Sides pe aur peeche iske sensor nahi hai. Again, itne paiso mein aap bol kya chahte hain. Forward mein iske koi obstacle aayega, iska obstacle avoidance ka feature properly kaam bhi karta hai, aapko batata bhi hai. Aap hamare in shorts mein dekh sakte hain jo hum aapko dikha rahe hain. Lekin agar iske peeche koi aayega obstacle to ye usko avoid nahi kar sakta. And same is on the side. Side ke upar koi agar obstacle aayega, ye avoid nahi kar payega. Us maqsad ke liye aap istemal karein propeller guards. Ye propeller guards aapko Flymore combo ke साथ मिलेंगे जब इन प्रोपेलर गार्ड्स को लगा लेंगे पीछे तो लेट मी अटैच अ कपल ऑफ देम अब आप देखें इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है अभी लेकिन प्रोपेलर गार्ड्स की मदद से अगर पीछे भी कोई ऑब्स्टिकल आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ड्रोन उसे बच जाएगा और फ्लाईमोर कॉम्बो में प्रोपेलर गार्ड्स तो साथ आते ही हैं तो गो फॉर फ्लाईमोर कॉम्बो I cannot stress anymore. आप पीछे अपना डाल सकते हैं memory card. I'm currently using 32 GB and in my view 32 GB for this drone is more than enough. उसकी वजह ये है कि चूंकि ये 1080p में record कर रहा है, frame rate is not more than 30 frames per second, so 32 GB memory card is more than enough. Plus इसके पीछे एक USB port है. You can use this port to charge your battery while your battery is still inside the drone. Just to be safe, make sure kar lein ki aap jab battery plug in karein, achhi tarike se wo plugged in ho. Isko on karne ka bahut aasan tarika hai. All you have to do is just press it once. Aap ek dafa press karenge to aapko ye battery ki power batayega. Aur isko on karne ke liye aap press it once and hold. There it is. One more advantage to the Spark is that due to its small size and very small propellers, I mean if you want to see these propellers, they're only this much. सिर्फ इतने से हैं ये प्रोपेलर्स ये इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट नहीं करते एंड व्हेन यू आर इन अ क्राउड एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू फ्लाई योर ड्रोन लोग ज्यादा इसको छोटा सा खिलौना समझते हैं और एक्चुअल में ये है भी खिलौना ही बट द थिंग इज दैट यू कैन रियली यूज दिस खिलौना टू योर एडवांटेज एंड यू कैन रियली मेक सम वेरी नाइस एंड वेरी सिनेमेटिक शॉट्स विद दैट आप इसको ज्यादा ऊंचा मत उड़ाएं ज्यादा दूर मत उड़ाएं लेकिन अपने शॉट्स को पहले से प्लान करें प्रॉपरली फ्रेम करें उन 12 मिनट्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें जो कि आपके पास मौजूद हैं एंड ट्रस्ट मी यू कैन रियली गेट सम ऑसम शॉट्स विद दैट DJI के तमाम ड्रोन्स की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से बहुत उम्दा रही है और यही सिलसिला DJI Spark के साथ भी है बना हुआ पूरा प्लास्टिक का है लेकिन इस प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही उम्दा है और आप जब इसको हाथ में पकड़ते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई सस्ता सा प्लास्टिक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है बिल्ड क्वालिटी फील्स रियली प्रीमियम ये चीज मुझे रियली फैसिनेट करती है कि द प्लास्टिक इज ऑफ सच अ हाई क्वालिटी के बहुत सारे इंपैक्ट्स क्रैशेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स उन सबको बर्दाश्त कर जाता है एक्सेलेंट इसके अलावा अगर आप इस ड्रोन के बॉटम पर देखें तो आपके पास दो आगे LEDs हैं दो पीछे LEDs हैं दे चेंज कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द मोड यू आर फ्लाइंग इट इन depending upon if you are controlling with a hand gesture and whether you are using it with a remote control. So they give you all different kinds of indication with the red color, blue color, magenta color, orange color. I don't even remember ke kaun kaun se colors aate hain and I don't really see them because I usually fly it with the help of my remote control and my phone is in my remote control or phone ki display ke upar sab kuch aa raha hota hai to mujhe zarurat nahi hoti ki main iske LEDs ke upar gaur karun. But if you are not flying with the remote control or agar aap sirf hand gesture se fly kar rahe hain to definitely you need to understand those LEDs and finally the spark when it came out back in the day to iske hand gestures ko kafi zyada advertise kiya gaya tha for me they worked sometime but mostly they did not I think that's just a gimmick अपने स्पार्क को आप रिमोट की मदद से भी उड़ा सकते हैं और फोन की मदद से भी उड़ा सकते हैं लेकिन अगर आप इसको अपने फोन की मदद से उड़ाएंगे तो आपकी फुटेज जो है वो जिटरी आएगी बिकॉज फोन जो है वो कनेक्ट होगा वाईफाई के थ्रू और जब वाईफाई के थ्रू वो कनेक्ट होगा तो आपको टैप्टिक फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको रिमोट की मदद से मिलता है रिमोट कंट्रोल के ऊपर आपके पास रिटर्न टू होम फ्लाइट पॉज बटन स्पोर्ट्स मोड दो ऐसी कीज जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्लस आपकी डेडिकेटेड फोटो और डेडिकेटेड वीडियोस की कीज अवेलेबल होंगी और उसके साथ आपका जो एंटेनास हैं ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्पार्क के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे वाईफाई के आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी फोन की मदद से आप 30 से 40 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे और आपकी हाइट भी 30 से 40 मीटर ही होगी और आपका जो है रिमोट कंट्रोल इसकी मदद से आप 250 से 300 मीटर तक जा सकते हैं DJI तो वैसे स्टेट करता है अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर बट दैट इज नॉट पॉसिबल ये मुमकिन नहीं है और हाइट आपकी ऑफ कोर्स FAA के रूल्स के मुताबिक 120 मीटर होनी चाहिए उतने आप आराम से चले जाएंगे लेकिन शर्त ये है कि आप रिमोट यूज करें और वैसे भी अगर आपको ज्यादा सिनेमैटिक फुटेजेस चाहिए हो तो आपको हाइट ज्यादा नहीं चाहिए होती आपको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है आपको ज्यादा ऊंचा नहीं जाना होता आपको थोड़ा दूर जाना होता है फाइनल बात मैं आपको एक और ये बता दूं कि
Mavic 2 भी है एंड दिस इज अ बीस्ट ऑफ अ ड्रोन. जो चीज इस ड्रोन में है स्पार्क में, बहुत सारे लोगों को उससे ज्यादा कुछ चीज चाहिए भी नहीं होगी. ये काफी सारे वो काम कर लेता है, बल्कि तकरीबन वो तमाम काम ही कर लेता है जो कि एक आम आदमी करना चाहेगा, including the intelligent flight modes of course. Despite the fact that I have both of them, is cheez ke bawajood ki mere paas ye dono drones maujood hain, DJI Spark jo hai it has grown a lot on me. Aur main jab bhi kahi jata hu to shayad Mavic 2 ko to le jana bhool jaun, DJI Spark ko le jana nahi bhoolta. Very small, compact, premium built, battery time is not so good but it's a good drone. You will enjoy flying it. Agar aapke paas ek Spark hai ya agar aap ek Spark khareedna chah rahe hain, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको उसकी कौन सी चीजें पसंद हैं, कौन सी चीजें नापसंद हैं, या अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये फैसला करने में मददगार होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मैं हूं ज़ाहिद निसार. अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़.